नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में इंडिया नंबर 1 एटीएम जनता के साथ कर रहा है धोखा। एटीएम से निकाले कटे पटे नोट, ग्राहक परेशान। कन्नौज के ग्वाल मैदान स्थित के इंटर कॉलेज के पास इंडिया नंबर 1 एटीएम लगा हुआ है, जिस पर ना तो कोई टोल फ्री नंबर है और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है और न कोई कस्टमर केयर नंबर जिससे ग्राहक बात कर सके। पूरा मामला ये है कि एटीएम से पैसे निकालें तो सभी लोगों के पैसे फटे निकले और उपभोक्ता जब वह पैसे लेकर सामान लेने गए तो दुकानदारों ने वापस कर दिया। ऐसे में ग्राहक परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एटीएम जनता के साथ धोखा कर रहा है। आगे दीपावली का त्योहार लगा हुआ है, ऐसे में ये लोग नकली भी नोट लगा सकते हैं और उनकी कोई गारंटी भी नहीं है क्योंकि इनके पास कोई टोल फ्री नंबर और इनका कोई सिक्योरिटी गार्ड एटीएम पर नहीं रहता है। ऐसे में पैसे निकालने वाले उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि वह एलडीएम से इसकी शिकायत करेंगे और रिसोर्ट जांच हो कि जानबूझकर फटे नोट रखे जा रहे हैं। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। नाम है आपका? आतिफ जी, क्या मामला है जो आप नोट दिखा रहे फटे हैं? कैसे फटे निकले, कहां से निकले ये? जी हम सुबह इस एटीएम में आए हैं, ये इंडियन एटीएम, यहां पर आए हैं 9 बजे, तो हमने यहां से ट्रांजेक्शन किया, 4000 रुपये निकाले सब, एक तरफ से पूरा पैसा सब आप देखिए सब फटे एक तरफ से। इसको अगर हम कहीं भी दुकान पर चलाएँगे कौन लेगा? ये ना बैंक वापस करेगी इसका, कौन जिम्मेदार है? ना यहाँ पर कोई गार्ड है, ना कस्टमर केयर नंबर है। कुछ तो होना चाहिए जो कस्टमर कंफर्म रहे, कॉन्फिडेंस रहे। कोई ब्रांच भी नहीं है। तो इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, आप बता रहे हैं, कई से कितने लोगों के निकल निकले? कम से कम 3-4 लोग तो आ चुके होंगे, तो ये जो पैसा आपका, ये पैसा आपका है, ये तो बर्बाद हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? उसी के लिए जो है हम आपको मीडिया से आपसे दिखाना चाहते हैं कि इसका कौन जिम्मेदार रहेगा। इसमें कोई भी कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए कि हम जिससे कंप्लेन कर सकें। तो क्या लगता है एटीएम लोगों के साथ क्या कर रहा है? एटीएम फर्जी है, तभी तो डाले जाएंगे, अभी तो इनके पास कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। नोट की गड्डी फटी हुई डाल दी गई है, तो नकली भी डाले। मैं आपका सोनू जी, आपके हाथ में कुछ रुपए हैं, इसमें काफी नोट फटे हुए हैं, आपने पैसे कहां से निकाले और कैसे फटे हैं ये नोट? ये सामने एटीएम है, इसी से निकाले। तो कौन सा एटीएम है ये? 10,000 रुपए निकाले, उसमें 7,500 रुपए फटे निकले। तो जो इसका जिम्मेदार कौन, ये नोट फटे निकले हैं आपके? ये तो एटीएम की है। तो एटीएम में कोई टोल फ्री नंबर या इनका कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ है? यहां पे से फर्जी है। अच्छा, कल को त्योहार आने वाला है, आप लोगों की पैसा इसमें रखा निकाल रहे हैं और हो सकता है कि नोट नकली भी निकले, फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बैंक को ठहराया जाए। तो कौन सी बैंक, कुछ आप लोगों को जानकारी है कि आप लोग सिर्फ आंख मीच के चीजों पर भरोसा कर लेते हैं? आपने क्यों भरोसा किया इस एटीएम पर? क्या लगा आपको इस एटीएम से? ये सामने लगा हुआ है तो हमने सोचा इसे निकाल लिया जाए, इसे निकाला तो यहाँ पर काफी एटीएम है, बैंक ऑफ इंडिया का है, बड़ौदा का है काफी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा इस बैंक से पैसा निकाला जाए? पहली बार निकाला हमने तो पहली बार में क्या लिखा फटे नोट निकले। तो आप इस बात को लेकर कोई उच्च अधिकारियों से मिलेंगे? अभी मिलेंगे जरूर। ये एटीएम किस जगह पर, क्या मामला है यहाँ का? कन्नौज में लगभग कितने एटीएम अभी होंगे यहाँ? इसे एटीएम तो बहुत है, तो सब पे ये फर्जीवाड़ा होएगा? नहीं नहीं, एक ही पे है, इसी पे तो ज्यादा ही हो रहा है। कितने लोगों के आपके सामने से फटे नोट निकले यहाँ पर? 6-7 लोग निकाल लेंगे शाम से, रात से, सारा ही ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ये नोट अगर आप बैंक में वापस, बैंक वापस लेगी नोट? नहीं लेगी, कहीं कोई ले ही नहीं रहा, कहीं जगह गए। तो आपका पैसा तो बर्बाद हो गया। ये बर्बाद हो गया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।